तो वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग गाइस। अपन आ चुके हैं कुंडी बड़े सब लोग लेके। तो आज के ब्लॉग में आज के बड़े दिन की शुरुआत हो रही है अपनी यहाँ से, क्या बोलते हैं, जैपनीज पार्क से। मैं घूमने नहीं आया था गाइस, मैं ऑर्डर लेके जा रहा हूँ। फिलहाल रिठाला से मैंने एक ऑर्डर उठाया, अभी जस्ट 2 बजे मान लो चलो है, ऑलमोस्ट 2 बजे उठाया है। एंड भाई अपन ने उठाई है राइड रिठाला से आपकी वहाँ की पड़पड़गंज, एंड इस पे अपने को 150 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि भाई पार्सल बड़े थे, ऑलमोस्ट डबल ही थे, पर फिर भी जितने कस्टमर दे सकता था मैंने उतनी कोशिश करी, एंड कस्टमर राजी हो चुका है। एंड वहीं चल रहे हैं। गाइस तो हम अपना नुकसान क्यों करें गाइस, 22,000 का तो पहले ही हो चुका है नुकसान। अब 150-150 करके 22,000 इकट्ठे कर लेते हैं। डेली का एक ऑर्डर बहुत हो जाता है गाइस, 150 रुपये डेली का मान लो, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं गाइस। तो फिलहाल गाइस जैसा कि आपको पता है अपना एक फ़ोन तो खो चुका है, एंड भाई दूसरे की प्लानिंग कर लेंगे यार अगले महीने करेंगे, लेकिन इस महीने तो नहीं कर सकते क्योंकि इस महीने में कुछ हटके करना है, कुछ हटके कंटेंट लाना है, समझते हो ना। हटके का मतलब क्या है, संडे राइड्स पे जाना चालू करना है। अब तो समझ गए होगे मैं क्या कराना चाहता हूँ भाई, 1 रुपया नहीं पड़ा जेब में, लेकिन कोई नहीं मेहनत कर देंगे यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 650 का प्रॉपर काम करके उसके बाद सारे ऑर्डर ऑफलाइन ही कोशिश करेंगे, ऑफलाइन मिल जाए। एंड भाई जब तक हमारे पास 4G फ़ोन है जब तक के लिए तो हमारे को वाईफाई लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि 5G होता तो अनलिमिटेड चलता है, अनलिमिटेड फिर उसी से व्लॉग अपलोड करते करेंगे ना। एंड अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, अच्छे खासे व्यूज़ों की गांड मार के मेरे क्या बताऊँ गाइस, उस बंदे ने भाई दिमाग की हिला के रख दी है। इतने अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, अपलोड हो रहे थे व्लॉग, हर दूसरे तीसरे दिन अपलोड कर दे रहा था, एंड बंदे ने भाई रेल बना दी हमारी कसम से बता रहे हैं। पर अब क्या ही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि एक नया फ़ोन ले, पर नया फ़ोन मैं लेना नहीं चाहता अभी, नया फ़ोन लेके फ़ायदा क्या है। फिलहाल चल रहे हैं पड़पड़गंज, एंड करेंगे इस राइड को ख़त्म, एंड अपने लेंगे जितना कैश बनता है अपना। एंड मैंने पार्सल तो दिखाया ही नहीं गाइस आपको, चलो साइड में रुक के एक बार ही पार्सल दिखाता हूँ आपको, एक बार यूटर्न ले लूँ, यूटर्न लेके फिर दिखाता हूँ कितने बड़े पार्सल है। तो उस हिसाब से मैंने 150 रुपये कुछ नजायज नहीं मांगे, 350 का ऑर्डर है, ठीक है गाइस। बंदे बहुत कहेंगे आपको डबल मांगो, भाई मत मांगो, खाली पीली खोपड़ी उसकी घूम गई ना कस्टमर की, तो दे देगा भी सस्पेंड, और कस्टमरों की रिपोर्ट बहुत जल्दी लगती है, अपनी इतनी जल्दी नहीं लगती। पार्सल देख लो, बैग लगा रखा है, बैग देख रहे हो, टायर पूरा कवर है, एंड ऐसे ही सेम पार्सल पीछे भी है। इससे थोड़ा फालतू ही होगा बड़ा, लेकिन ठीक है, एक्स्ट्रा मिलने चाहिए बस। अब जितने पार्सल मिलेंगे सब ऐसे ही एक्स्ट्रा ले के आएंगे। भाई उनको लोडर बुक करना था, लोडर की जगह उन्होंने ये कर दिया, तो कोई नहीं, हम तो पैसा ही चार्ज करेंगे भाई अपने, जितने हमारे बनते हैं हम उतने चार्ज करेंगे, क्यों गाइस। गाजीपुर आने का फ़ायदा तो होता है, वैसे कुछ भी कहो गाजीपुर आने का एक फ़ायदा है भाई, तुरंत ऑर्डर हो जाता है गुड़गांव के, आज भी यही हुआ है, गुड़गांव का ऑर्डर मिल चुका है अपने को, लेकिन मेला पेड़ है भाई ये मैं कहूँगा। एंड पिछली राइड के पूरे पैसे आ चुके हैं भाई, पर
है यार थोड़ा दुख हुआ इस बार, पेड़ पेड़ मिल गया ना, बस ये थोड़ा दुख हो गया। चलो कोई नहीं, होता है, देखते हैं आगे कहाँ की मिलेगी। फिलहाल यार गाइस इतना ही कहना चाहते हैं हम कि चलते हैं गाइस, क्या दिक्कत है, वहां से फटाफट निकल जाएंगे, जो मिल अगर मिल गई तो तुरंत ही ठीक है, और नहीं मिली तो निकलते बनेंगे फिर। सुन रहे हो ना, लक 28 पुड़ी था, 47 वेट पुड़ी था, है ना। फिलहाल गाइस कुछ ऐसे ही हालात है, पैसे कमाने निकले हैं एंड कमाएंगे एंड करवाएंगे अपने अपने सपने पूरे, पर हार नहीं मानेंगे गाइस, कुछ भी हो जाए भगवान कितना भी झुका ले, जो टारगेट है गोल है तो गोल है, उस गोल के बीच में कोई भी नहीं आ सकता मेरे। वो गोल तो मेरा गोल है, उसके आगे तो मैं किसी को नहीं चलने दूंगा, क्यों गाइस हार नहीं माननी, हार नहीं माननी। फिलहाल चल रहे हैं गुड़गांव एंड अभी है हम अक्षरधाम मंदिर वाले रोड पे, हाईवे पे, लेडी हमारा। फिलहाल यार गाइस आज करने को ज़्यादा बातें तो है नहीं एंड ये नहीं कहना चाहेंगे भाई, जो होता अच्छे के लिए होता है, बुरा तो कुछ होता नहीं है, होता है तो बुरा वो अपने आप अच्छे में बदलने के काबिल बनो बस,
कि आगे चल के तुम्हारा कभी कोई बुरा ना कर पाए। तो फिलहाल गाइस अपन निकल चुके घर के लिए। अपन ने दो राइड मार दी, 650 का काम कर दिया, क्योंकि यार घर वाले नहीं है ना इस टाइम पे, तो 650 का काम पूरा करके अपन घर चल रहे हैं। एंड फिलहाल गाइस फ्रेशिंग मार रहे हैं, गर्मी आनी चाहिए क्योंकि बहुत ठंड हो रही है इस जगह पे, और इतनी ठंड हो रही है कि सब कुछ कह नहीं सकते गाइस, इतनी ठंड हो रही है। बस बता सकते हैं कि हाथ से लेके पिछवाड़ा तक कांप रहा है। एंड भाई जब बाइक पे शिफ्ट होएंगे तो बाइक पे कितनी फटेगी, फटेगी तो भाई, ये तो मैं अभी कहता हूँ फटेगी, फटेगी भाई गाइस, इतना तो मैं भी कहता हूँ। तो फिलहाल गाइस पता नहीं क्यों जाम लग रहा है आज यहाँ पे, वैसे हाईवे है ये, नीरा हाईवे है जिसे कहते हैं, और जाम लग रहा है। अच्छा कोई निकल रहा था साइड में तो इस चक्कर में जाम लग रहा था। नेपाली गाइस, नेपाली गिर गया गाइस, पाछी भाई रोनते हुए निकालते बंदे, अपनी भी गाड़ी रोनते हुए जाया करेगी किसी टाइम पे। और भाई के साथ लगता कोई इंसिडेंट हो गया है, और भाई के साथ कुछ हो गया था, तभी 3-4 बंदे रुके हैं। बस देख रहे हो गाइस, एंगल गाइस छिड़ जाता है बार बार, क्योंकि बंदे मांगते रहते हैं ना कैमरा भाई, एक बार दिखाना। मतलब कितनी एक्सपेंसिव चीज हो गई ये कि कैमरा ही मांगते रहते बंदे यार। एक्सपेंसिव तो फोन भी था जो चले गया। फिलहाल गाइस फटाफट चल रहे हैं, मिलते हैं आपसे घर पहुंचे के उससे पहले ही मिलेंगे कहीं पे, क्योंकि दो राइड्स में व्लॉग क्या ही बनेगा, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट इतना ही बंदे देखते हैं, इससे ज्यादा देखते भी नहीं है यार। कृष्णा ग्रीन मैपल गोल्ड सारी वाटिका वो है ये, क्या बोलते तुम्हारा फार्म्स। एंड भाई सैनिक फार्म की तरफ ना चीते घूम रहे हैं, ओ सॉरी बाघ नहीं क्या बोलते उसे, चीता ही। तो भाई उस साइड भी जाना बंद करेंगे, नान नहीं कटवानी हमारे को भाई अपनी, वहाँ की साइड में जा ही नहीं करेंगे, छतरपुर की साइड में। एंड वो छतरपुर होते होते ओ सैनिक फार्म होते होते वहाँ निकल गया संगम बिहार की तरफ, तो क्या ही कर सकते हैं गाइस। फिलहाल तो अपन इतना ही कर सकते कि वहाँ उस साइड में ना जाएं, साकिर वाकिर की साइड में ही रहे। गाइस वो ऑनलाइन राइड लेके ना यार, थोड़ा दुख सा तो हो रहा है पर क्या करें यार,
एंड हकीकत है भाई, ये चीज़ हकीकत है यार, गुड़गांव आना बंद करना ही पड़ेगा भाई। कभी कभार मिल जाता है, कभी कभार का चांस होता है, वो मिल जाती है राइड, लेकिन ये बोले एक तरीके से कि हमेशा मिल जाए तो वो चीज़ नहीं हो सकती इससे। तो यहाँ की साइड आने में कोई बेनिफिट नहीं है अपना गाइस। तो भाई जो भी मेरे भाई पोटर वाले हैं भाई, मुश्किल ही आए करो यार, कोई जरूरत नहीं आने की यार। दिल्ली दिल्ली मार लो यार, फरीदाबाद गुड़गांव नोएडा है तो सही, क्यों गुड़गांव आना यार। गाजियाबाद भी है, गाजियाबाद से भी मिल ही जाते हैं नोएडा वोएडा के, नोएडा गाजियाबाद नोएडा गाजियाबाद करते रहो बस, कमाना ही तो है यार। कोई छपरी जा रहा है गाइस, तो फिलहाल यही कहना चाहेंगे, अवेयर हेलमेट एंड सेफ राइड प्लीज गाइस। भाई हेलमेट जरूर रखे करो अब। फिलहाल मिलते हैं आपसे आगे कहीं रास्ते में, द्वारका तो आ ही चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे विकासपुरी फ्लाईओवर में, क्योंकि लाइट वाइट में ब्लॉग बनाने में मजा आता है यार, ये अंधेरी अंधेरी जगह पे क्या ही लोग बनाएंगे। अबे निकलना, गाइस जानबूझ के मजे लेता बस वाला, इसी दिन खोपड़ी घूम गई ना तोड़े ही दूंगा, चटका ही दूंगा गांच कूच। फिलहाल तो अभी फोकस कहीं हुए हैं, फिलहाल फोकस है अभी वो मिल जाए बस बंदे जिन्होंने फोन चुराया है। तो फिलहाल गाइस घर पे आ चुके हैं एंड अब क्या ही करना, आ गए तो आ गए भाई, बहुत जल्दी तो नहीं आए पर लेट ही आए हैं, जाम जो लग रहा था गाइस, क्या करें यार, काम भी करना ही है यार, बिना काम के थोड़ी है कुछ। अब बताओ काम करा है जब भी इतना खर्चा झेल पाया, मेरा खर्चा हो चुका है ऑलमोस्ट आज का 650 का काम करने पे, जो 150 एक्स्ट्रा लिए थे वो 150 वसूल हो चुके हैं, बस ये समझ लीजिए। एंड मेरे भाई आपसे मिलते हैं हम, आपसे मिलते हैं और किसी बढ़िया से ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन मेरा भाई, तो टेक केयर, सी यू अगेन, ओके ओके।